Hello and welcome to this special session of data interpretation and quantitative techniques. Okay, आज हम क्या करने जा रहे हैं? Type 4 questions करने जा रहे हैं कि bar graph के द्वारा, ठीक है, अगर आपको कोई data दिया हुआ है तो आप उसे कैसे interpret करते हैं? I would like to show you the question first और फिर हम आगे चलेंगे. Here comes the question. Question देखिए. Here is the question in front of you. I hope you can see the question. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, the following is a horizontal bar diagram. अब bar diagram क्या होता है? जिसमें rectangles का use होता है, ठीक है जी? और rectangles का use करते हुए हमें एक डाटा दिया जा रहा है. लिखा हुआ है, horizontal bar diagram showing the accidents in which two wheelers are involved. यानी दो पहिया वाहन से हुए accidents, एक तरफ है दो पहिया वाहन और दूसरी तरफ with other objects. Study the diagram and answer the questions. ये देखो, अब ये जो डाटा आपके सामने है, सबसे पहले टू व्हीलर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या निकला सोनम, कि टू व्हीलर्स ने क्या मतलब निकाला? बोलिए, टू व्हीलर्स का मतलब निकला जहां पर एक साइड टू व्हीलर है और दूसरी साइड भी टू व्हीलर है. अब ये वाला जो डाटा है, इसका क्या मतलब निकला? एक तरफ टू व्हीलर है और दूसरी तरफ कार है. ये इसमें क्या है? एक तरफ टू व्हीलर है और दूसरी तरफ बस है. क्लियर? और इसी तरह से टैंकर लॉरी की एक तरफ टू व्हीलर है और दूसरी तरफ कोई टैंकर से टक्कर हो गई है, ठीक है जी? अब दूसरी तरफ चलते हैं. ये देखिए, आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है जी? ये देखिए, ये से कुछ क्वेश्चंस आएंगे. उससे पहले, अब यहां पर एक तरफ टू व्हीलर है और दूसरी तरफ कौन है? कोई पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला. यहाँ पर टू व्हीलर विद बाइसिकल और यहाँ पे टू व्हीलर विद स्टेशनरी आइटम और यहाँ पर टू व्हीलर विद व्हीकल्स, ठीक है? ये है स्टेशनरी व्हीकल्स, ये है स्टेशनरी व्हीकल्स. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 20. नंबर क्या? 20. एक डब्बे का मतलब 20 है, यानी बाइसिकल्स से अगर हम बात करें तो टू व्हीलर की बाइसिकल से जो टक्कर हुई, ऐसे कितने एक्सीडेंट हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. यानी कि बाइसिकल्स से कितने एक्सीडेंट हुए? जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, आप बताएंगे टोटल बाइसिकल्स से कितने एक्सीडेंट हुए? जल्दी बोलिए. 200. Wrong answer. 200. क्योंकि एक डब्बे का मतलब, एक रेक्टेंगल का मतलब है 20 और ये 10 रेक्टेंगल्स हैं, तो ये हो गया 10 into 20, यानी टू व्हीलर और बाइसिकल के बीच में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं? 200. अब स्टेशनरी, 1, 2, 3, 4, 5, जल्दी बताओ टू व्हीलर और स्टेशनरी व्हीकल के 100 हुए. 100, ठीक है, समझ में आ गया? ओके. और पेडेस्ट्रियन, और एक तरफ पेडेस्ट्रियन एक तरफ टू व्हीलर, कितने एक्सीडेंट हुए हैं? 40. ये है 2 into 20, यानी कि 40. ओके, अब और दूसरी तरफ चलते हैं हम, ठीक है? जो सबसे पहले वाला डाटा था उसको देखते हैं. ये देखिए, ये डाटा आपके सामने आ गया, टाइप 4. ये देखिए, देख रहे हैं आप? अब टू व्हीलर विद टू व्हीलर, जल्दी बताओ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हैं बिटवीन टू व्हीलर एंड, देखते हैं कौन पहले बताएगा. 230. दोबारा बोलो आंसर. 230. आंसर इज 230, क्योंकि ये क्या हो गया? 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ये 20 का हाफ है, यानी 10. अब कार के बताओ, टू व्हीलर एंड कार के कितने एक्सीडेंट हुए? 150. 4, 5, 6, 6 to 20, आंसर इज 150. ये हुए 130. और टू व्हीलर और बस के बीच में 120. कितना क्या आंसर आया? टू व्हीलर और बस के बीच
Yes, sir, 120. Yeah, yeah, 120. 120. ठीक है जी, और फिर उसका अगला करते हैं. सर 140 नेक्स्ट. टैंक एंड लॉरी. टैंकर एंड लॉरी कितना आया? 140. 140. यस. 160. सॉरी 160. राइट. सो 120, 160. समझ में आ गया? और वेट, दरअसल ना नाउ मुझे चेक करने दो एक बार. दरअसल ये वाला जो है ना, ये पूरा यहां तक है. यहां पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इसको यहां तक लेके चलो तो कार कितना हो जाएगा? 140. ये हो गया 100 एंड एक दो तीन. ओहो, गलती हो गई. वेट वेट, पूरा नहीं है ये. सॉरी. यहां पे देखो नंबरिंग में गलती हुई है हमसे. 1 2 3 4 5. तो यहां क्या आएगा? ये 6 है, ये 7 है, और ये हम तो बताओ कितना होगा. तो सर मैंने ठीक बोला था, मतलब है ना 150 आ जाएगा. तभी मैंने सर 150 कहा था. 150, वो 5 गलती से दो बार लिखा गया. ठीक है जी, तो चलो अब हमारे पास टोटल एक्सीडेंट्स आ गए हैं. सब टोटल करो. ठीक है, ये सबसे पहले टू व्हीलर विद टू व्हीलर एक्सीडेंट है 230. सबको ऐड कर दो अब. 230 प्लस 150, इनको ऐड करो. 230 प्लस 150 प्लस 120, और नोट करते जाओ, नोट करते जाओ. टू व्हीलर विद टू व्हीलर विद कार 150, टू व्हीलर विद बस 120, और टू व्हीलर विद टैंकर लॉरी 160, और इसका अगला जो था वो ये था. ये देखो, पेडेस्ट्रियंस 40, और फिर 200, टू व्हीलर विद बाइसिकल, और फिर स्टेशनरी व्हीकल्स का था 100. बताओ ऐड करके क्या बना? 1000. ओके, अब क्वेश्चन आपके सामने, देखते कौन पहले इस क्वेश्चन आंसर बताएगा. द डिफरेंस इन परसेंटेज बिटवीन द एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग टू व्हीलर्स एंड टू व्हीलर्स एंड टू व्हीलर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. जल्दी देखते हैं कौन जवाब देगा. पहले सॉल्व इट. ये तो उंगलियों पर ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है. इसमें पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं है. पहले आप बताओ, टू व्हीलर एंड टू व्हीलर कितने एक्सीडेंट हुए थे? 230 हुए थे. टोटल एक्सीडेंट्स कितने? 1000 इंटू 100 आ जाएगा. हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, कितने परसेंट एक्सीडेंट्स हुए टू व्हीलर विद टू व्हीलर के, और वो आ गया 23%. 2.3. कैसे 2.3? सर अपॉन में 1000 रहेगा. 230 अपॉन 1000, टोटल एक्सीडेंट्स आर 1000. 23% हो गया. ओके, और यानी बाकी एक्सीडेंट्स कितने हुए? 77%. अब क्वेश्चन देखो क्या है, डिफरेंस इन परसेंटेज निकालना है आपको. अब 77% और 23% में कितना फर्क है? जल्दी बताओ आंसर क्या है. व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन? द डिफरेंस इन परसेंटेज बिटवीन द एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व 54 लेस.
50. Wrong answer. अच्छा फिर अब 77% less. हाँ ठीक है sorry 54% less बिल्कुल सही आंसर है. The difference in percentage between the accidents involving two-wheelers and two-wheelers and other objects is respectively. ठीक है तो two-wheeler का less है कितना 54% less है तो हमारा आंसर आ गया 4. ठीक है जी चले आगे. अब मैं इसको चेक करता हूँ अपने आंसर को. ये देखो ये है हमारा आंसर की. ओके सो हियर इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू. देख लीजिए अभी दिखा रहा हूं आपको. ये देखिए पहले यही निकाल लिया कि टोटल एक्सीडेंट्स हुए कितने हैं. वो हमारा आ गया कि हमारे 1000 एक्सीडेंट टोटल हुए हैं और टू व्हीलर टू टू व्हीलर कितने हुए 23%. ठीक है जी और फिर बाकियों से हुए हैं 77%. तो कितना परसेंट लेस है 77 - 23 = 54% लेस है. क्लियर ओके. अब अगले क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व करेंगे. ये देखिए क्वेश्चन ये है 60% ऑफ द एक्सीडेंट्स आर. बोलो जी आंसर क्या है इसका. इसमें लेस. बोलिए बोलिए मैं सुन रहा हूँ सर. यहाँ पर लेस और मोर का मतलब क्या है सर. जैसे 54% लेस और 54% मोर. अब बताओ डिफरेंस इन परसेंटेज बिटवीन द एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व इतना एंड अदर. तो यानी कि इसका कंपैरिजन किससे करना है बाकियों के साथ. तो पहले वाली चीज बाकियों से 54% लेस इसका ये बता निकला. ओके अगर यहां एंड की बजाय यहां पर अगर वर्ड होता एज कंपेयर्ड टू. अगर यहां पे होता एज कंपेयर्ड टू. एज कंपेयर्ड टू तो ये कंफ्यूजन आपकी अपने आप ही दूर हो जाती शायद है ना. कोई बात नहीं हो जाता कई बार. चलो अब करो क्वेश्चन नंबर टू. देखते हैं कौन पहले करेगा. 60% ऑफ एक्सीडेंट्स आर इन्वॉल्व ड्यू टू. 60% ऑफ द एक्सीडेंट्स आर इन्वॉल्व ड्यू टू. अब टू व्हीलर का जिनके साथ एक्सीडेंट हो रहा है उनके नंबर यहां लिख के देखना है 60%. अब 60% कितना बनेगा. 60% कितना बनेगा. 1000 का 60% है 600. अब देखना टोटल 600 बनाना है हमने. हमें यहां पर ये डाटा मिला हुआ था. हमें यहां पर ये देखिए ये डाटा मिला हुआ है 230 किसका था. टू व्हीलर के साथ एक्सीडेंट याद आ गया. अब 150 किसके साथ एक्सीडेंट है तो 150 बनेगा कार. 120 कैसे बनेगा बस. ठीक है जी और टैंकर लॉरी और ये है पेडेस्ट्रियन और 200 है बाइसिकल और 100 है स्टेशनरी. अब ये देखो हमने कितना बनाना है 600 बनाना है. 600 कैसे बनाओगे. 200 ये ऐड कर लो. 200 ये देखो वैसे अगर इनको ऐड करो 200 + 200 तभी नहीं बनेगा. अब देखो ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास. ऑप्शंस देखिए क्या क्या हैं हमारे पास. ठीक है जी हमें टोटल बनाना है 600. 230 + कीजिए 150 कार का 150 है. बसेस का कितना है. बसेस सर बन गया है 120. बन गया आंसर. यस सर. क्या आंसर आया सर. टू व्हीलर प्लस बस प्लस टैंकर लोरी प्लस स्टेशनरी. ऑप्शन कौन सी है इसमें से वो चेक करके बताओ.
बताओ 1, 2, 3, 4 कौन सी ऑप्शन सही है? बोलो सर। 2। 2 कैसे हो जाएगा? कार का है 150, ठीक है जी, और टैंकर का कितना है? टैंकर लॉरी का कितना है? टैंकर लॉरी का है 160, और पेडेस्ट्रियन का है 40। ये 160 है, ठीक है। और अब देखो बसेस का कितना है? बस का है 120, बस का 120। सर ऑप्शन नंबर सी आया है मेरा, टू व्हीलर कार बसेस एंड स्टेशनरी व्हीकल। स्टेशनरी व्हीकल का है 100 नंबर, स्टेशनरी का है 100, और बाइसिकल का कितना है? 200। सर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है, चलो टू व्हीलर। यस सर। टू व्हीलर कितने थे? 230। टू व्हीलर है 230। कार कितनी है? 150। बसेस कितनी है? 120। स्टेशनरी व्हीकल कितने हैं? 100। टोटल करके देखो, बनना तो नहीं चाहिए। बन गया सर। बन गया, हाँ बन गया। 150 और 230, 380 हो गया। 380 और 120, 500, ये 600, यानी 600 बन गया। आंसर इज ये। अगला क्वेश्चन करो। इफ द डाटा ऑफ द बार डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी बोलो। 36 डिग्री पाई चार्ट में जो सेंटर में जो ये एंगल होता है ये 360 होता है। अब 36 डिग्री बनाने के लिए यानी 10% चाहिए, यानी कि 10% ऑफ द एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स कितने हैं? 1000 है, 1000 10% हो जाएगा स्टेशनरी। अब 100 किसका था वैल्यू? स्टेशनरी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्टेशनरी। स्टेशनरी व्हीकल्स इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो। परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट्स इन विच पेडेस्ट्रियंस एंड साइक्लिस्ट्स आर इन्वॉल्व्ड, जिसमें पेडेस्ट्रियंस एंड साइक्लिस्ट्स दोनों को ऐड कर दो, पेडेस्ट्रियन की क्या वैल्यू है और साइक्लिस्ट की क्या वैल्यू है। पेडेस्ट्रियन की जो वैल्यू है वो है 40, पेडेस्ट्रियन की 240 हो गए, और साइकिल कितनी है? 200। साइक्लिस्ट की है यहाँ पे दिया होगा सर, 240 हो गया ना टोटल। हाँ साइक्लिस्ट है 150, नहीं 150 नहीं, कितने साइक्लिस्ट? 200 है, ठीक है ठीक है सर, 200। तो ये हो गया 200 प्लस कितना सर? 24%। 200 प्लस 40 हो गया 24%, आई गेस सर। तो 200 प्लस 40 करेंगे तो 240 हो जाएगा। 240 कितना परसेंट है? 24% है, तो आंसर आ गया 24%। ओके अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। द परसेंट बाय विच द एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग बसेस इज लेस देन द एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग टैंकर लॉरी इज, अब बताओ। पहले तो बसेस के कितने हैं? सबसे पहले देखो बस के कितने एक्सीडेंट है? बस के हैं 120, बस के कितने हैं? 120 एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग टैंकर लॉरी, और टैंकर लॉरी के कितने एक्सीडेंट्स हैं? 160। सर आंसर इज 4%। 40 और कितने में से कैलकुलेट? 1000 100 4% इक्वल्स टू 4% आंसर आ गया। 4% इज द आंसर। ये था आपका टाइप 4 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल बार, अब जो मैंने क्वेश्चन कराया ये कौन सा क्वेश्चन था? ये हॉरिजॉन्टल बार है, ये देखो ये बार का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, वर्टिकल बार का भी एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। ये हॉरिजॉन्टल बार थी, अब करेंगे वर्टिकल बार। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो आप। The bar graph given here shows the number of job seekers of a state
in various years at the different stages of education. Education ke different stages par number of job seekers ki 1972 mein kitne the, theek hai, kis mein kitne the, aur level of education kya. अभी ये देखो अगले चार्ट में आपको दिखाई देगा. ये देखिए ये चार्ट आपके सामने आ गया, देख रहे हो आप. थोड़ा छोटा कर दिखाता हूं आपको. ठीक है जी, ये चार्ट आपके सामने है. ब्लैक कलर का मतलब क्या है? ग्रेजुएट्स. और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है शेडिंग, इसका मतलब क्या है? सीनियर सेकेंडरी. और व्हाइट कलर का मतलब क्या है? मैट्रिकुलेट, टेंथ करने के बाद मैट्रिक. ठीक है, ओके. और ये देखो अब आपको दो चीजें दे रखी हैं, जॉब सीकर्स इन वेरियस ईयर्स. 1972 में कितने ग्रेजुएट्स जॉब मांग रहे थे? 325. कितने सीनियर सेकेंडरी वाले जॉब मांग रहे थे? 650. ठीक है, अब 325 प्लस 650 बिकम्स 975, ये है 1000. और कितने जॉब मांग रहे थे मैट्रिक वाले लोग? ठीक है, इसके ऊपर वाली फिगर, यानी 1400 माइनस 975, समझ में आया? इतने लोग. अब 1400 तो ये फिगर है, ये है 1400, समझ में आया? अब ऐसे ही ये 525 पे खड़ा है, यहां पर ये 525 लोग हैं, ये 1050 लोग हैं, टोटल कितना है? 1850. ये डाटा समझो. अब 1975 में, सन 1975 में क्या पोजीशन थी? जो ग्रेजुएट्स जो जॉब मांग रहे थे वो थे 700, और जो जॉब मांगने वाले सीनियर सेकेंडरी वाले लोग थे वो कितने थे? वो थे 1250 माइनस 700, समझ में आया? ओके, और फिर टोटल कितने जॉब सीकर्स थे? 2300, जिसमें से मैट्रिक वाले कितने थे? मैट्रिक वाले कितने थे? 2300 माइनस 1250 माइनस वेट, ये है 1250, है ना जी. अच्छा, इसको मिला के 1250 बना है, 2300 माइनस 1250. इसको अच्छे से स्टडी करो एक बार. ये इतना इतना ग्राफ है, 1250 है, ये देखो ये कहां पहुंच रहा है? यहां पहुंच रहा है, समझ में आया? ओके, अब ये वाला डाटा देखो, यहां तक ये है 325, ये है 650. तो 325 के ऊपर है 650, तो 900, ये यहां तक पहुंच गया, समझ में आया? और उसके बाद 1400 ये वाली फिगर है. तो ये टोटल कितने हैं जो मैट्रिक वाले जॉब मांग रहे हैं? 1400 माइनस 975. ओके, चलो अब कैलकुलेट करके देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको. अब पहला क्वेश्चन देखिए, In which year was the number of graduate job seekers the same as that of senior secondary job seekers? ठीक है, कि number of job seekers बराबर थे graduate वाले और दूसरा senior secondary वाले. Options हमें दी हुई हैं 1973, 1974, 1975, 1976. ये question number 6 है जो हम करने जा रहे हैं. सबसे पहले ग्रेजुएट जॉब सीकर्स इन 1974 एक बार देखते हैं हम कितना बन रहा है हमारा. ठीक है जी, ये देखो ग्रेजुएट जॉब सीकर्स 1974 में जो नंबर निकल के सामने आ रहा है वो है 525. ग्रेजुएट जो है और जो 1974 में जॉब मांगने वाले लोग हैं वो है 525. और अगर चाहते हैं और 1974 में ही ये टोटल 525 प्लस ये 1050 हो गया, तो
जो सीनियर सेकेंडरी वाले जॉब मांग रहे हैं वो कितने हैं? 1050 माइनस 525 इक्वल्स टू 525. तो 1974 में 525 ही हैं ग्रेजुएट से जॉब मांग रहे हैं, और 525 को जब माइनस किया जाएगा 1050 में से फिर सेम आएगा. तो इसका मतलब ये निकला कि 1974 ऐसा ईयर है जिसमें बराबर नंबर ऑफ पीपल जॉब मांग रहे हैं. अब देखो कितना आसान है कैलकुलेट करना. ये देखो यहां पर 325, ये भी बराबर फिगर नहीं है, ये भी बराबर फिगर नहीं है, यहां बराबर फिगर निकल रही है. यहां पर 700 प्लस 550 निकल रहा है, यहां 725 प्लस 1075 निकलेगा. ठीक है जी, तो यही आंसर 1974 बिल्कुल सही होगा. अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे. चलो जी अगला. इन कंपैरिजन टू द ईयर 1973 हाउ मेनी मोर जॉब सीकर्स इन ऑल वर देयर इन द ईयर 1977. 1973 से 1977 तक जाते हुए 1977 कितना ग्रोथ आ गया, जॉब सीकर्स कितने बढ़ गए. वेरी सिंपल, मैं नहीं करूंगा आप करोगे. 73 से 77, जल्दी बताओ. 73 से 77 नंबर ऑफ जॉब सीकर्स में राइज कितना आया, देखते कौन पहले आंसर देगा. कम ऑन, इजी क्वेश्चन. तो 2600. कैसे सर? 3375. अरे बोलो हिमांशु. 3375. रॉन्ग आंसर सर. 3375. अच्छा रॉन्ग आंसर है. 2600 ठीक है. रॉन्ग आंसर. और हिमांशु सिर्फ केयरलेस मिस्टेक कर रहा है, बाकी सब ठीक है. हिमांशु सिर्फ केयरलेस मिस्टेक कर रहा है. कॉन्सेप्ट सही है हिमांशु का. सोनम, 1625 से 4000 हो गया, कितनी बढ़ोतरी हुई है? 3375. किसने बोला, किसने बोला ये आंसर? सोनम आपने बोला ना? यस सर. रॉन्ग आंसर, सेम गलती हिमांशु वाली. बताओ यहाँ क्या आएगा? 2375. अबलीन का आंसर बिल्कुल सही, 2375 बिल्कुल सही आंसर है. यस सर, एक्चुअली मैंने पहले 1400 से कैलकुलेट करी थी, फिर मेरे को ध्यान आया 1625 से माइनस करना है बिकॉज़. चलो अगला क्वेश्चन करें. कितना बेसिक क्वेश्चन था और उसमें गलती कर दी आपने. चलो अब आप सबको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8. कर रहा था मैंने. सबसे ज्यादा मैट्रिकुलेट जॉब सीकर सबसे ज्यादा किस ईयर में थे? 73, 75, 72, 73, 75, 75, 70. सबसे ज्यादा मैट्रिक वाले जॉब मांगने वाले 72, 73, 75, 77. इसमें से आपको बताना है किसमें सबसे ज्यादा जॉब मांगने वाले हैं मैट्रिक वाले. कैलकुलेट करो. अब इसमें कितने हैं? 1400 माइनस 650 है ना जी. तो 1977 में है. गुड, आंसर हो जाएगा 750. इसमें कितने हैं? 1625 माइनस 1000 यानी 625. ठीक है, फिर 75 में देख लो, 2300 माइनस 1250 है ना जी. तो 77 में है. अब 77 में देख लो, 4000 माइनस 2200 बहुत बड़ा नंबर है. ठीक है, ये बन गया 1800. 1800 1800
तो सबसे बड़ा फिगर है ये, तो आंसर हो जाएगा क्या 1977, लवलीन का आंसर बिल्कुल सही। ओके yes, आया तो आठवें का आंसर हो गया 1977। चलो और आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स हैविंग देयर क्वालिफिकेशन एज सीनियर सेकेंडरी इन द ईयर 1974 में सीनियर सेकेंडरी वाले जॉब मांगने वाले कितने थे, देखते हैं। 1974 ये है सीनियर सेकेंडरी वाले, आंसर तो 525 देखो सर 525 द नंबर ऑफ जॉब्स यू वर हैविंग द क्वालिफिकेशन एज सीनियर सेकेंडरी इन द 1974 वाज 525, नाइंथ का आंसर 1 होगा, ठीक है जी 525। ओके अब आपको मैंने ब्रीफ कर दिया है कैसे क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन और करवा दूं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो yes, sir. क्वेश्चन ये है, द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मॉडल्स ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2007 and 2008, 2007 और 2008 की मोबाइल प्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है। 6 तरह के मोबाइल फोन का डाटा आपको मिलेगा, ठीक है जी, वो भी 2 सालों का, 2007 का 2008 का। द टोटल प्रोडक्शन 2007 वाज 35 लाख, टोटल प्रोडक्शन 35 लाख मोबाइल फोन्स की 2007 में और 44 लाख मोबाइल्स बनाए गए 2008 में। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब चार्ट आपके सामने आ रहा है, ये देखिए चार्ट क्या कहता है, मैं एक बार फिगर्स फिर से बता दूंगा आपको कि कितने कितने मोबाइल फोन की प्रोडक्शन हुई, 35 लाख और 44 लाख, इसमें टोटल 35 लाख फोन बनाए गए, इसमें 44 लाख फोन बनाए गए, ठीक है। और मोबाइल फोन कंपनी का ये डाटा आपके सामने पढ़ लो, परसेंटेज ऑफ 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी Over 2 years, अलग अलग तरह के फोन, ये देखो ये A B C D E F, ठीक है जी, और 2007 में टोटल इतना परसेंटेज बता रखी है, ये क्या चीज है परसेंटेज, ओके कितना परसेंट कौन सा फोन बनाया, जैसे A फोन जो शायद बेसिक फोन होगा वो सबसे ज्यादा यहाँ पे 30% बनाया, तो 30% ऑफ 35 लाख, समझ में आया। अब टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स ऑफ मॉडल्स ए बी एंड ई मैन्युफैक्चर्ड 2007, ए बी और ई, सबसे पहले ए फिर उसके बाद बी और फिर ई, टोटल 2007 में कितने मोबाइल बने ए बी ई, अब ये देखो कैसे, मैं नहीं बताता अपने आप करो, चलो ए बी ई, ए कितना बने हैं कितने परसेंट, 30%।